आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। इस समय पूरे देश दुनिया में केवल और केवल कोरोना की चर्चा। जी हाँ, सरकार दोबारा लॉकडाउन के बारे में सोच रही है। सरकार ने कहा था 20 से ज्यादा जिस जिले में मरीज मिलेंगे उस जिले में लॉकडाउन के बारे में विचार किया जाएगा। रीवा शहर के लिए काफी दिनों बाद एक बुरी खबर आई है। जी हाँ, बुरी खबर इसलिए, अभी तक के कोरोना काल के साल भर के पीरियड में पहली बार सबसे कम जांचें। केवल आंकड़ों की अगर बात की, 287 जांचें हुई हैं। केवल 287 जांचों में 28 मरीज आज पाए गए, जिसमें से शहर में 21 मरीज हैं। अगर पिछले 11 दिनों की बात की जाए तो रीवा में अभी तक 136 मरीज मिल चुके हैं। जांचें हुई हैं 5,865। 400 से ज्यादा का आंकड़ा केवल 3 दिनों का है। उन दिनों में भी मरीज काफी कम पाए गए थे, लेकिन 500-600 से ज्यादा जांचें नहीं हो रही हैं। आज तो सबसे कम जांचें हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां 20 मार्च को केवल 48 मरीज रीवा के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे थे, आज वह आंकड़ा बढ़कर 136 शहर में हो गया है और 100 के ऊपर मरीज विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक ही उड़ाया जा रहा है, जबकि सरकार ने लाख जतन कर लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कही गई। शहर में कहीं भी पुलिस के दबाव में या और अन्य किसी के दबाव में लोग मास्क तो लगा लेते हैं, लेकिन वो मास्क तुरंत हटा लेते हैं। किसी भी दुकान में इस तरीके के मास्क की सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब है रीवा के बाजारों में, सब्जी मंडी में, जहां पर भारी भीड़ रहती है सब्जी लेने वालों की। कोरोना के लिए सबसे बचाव का जो सबसे आसान तरीका है, जिसको बताया गया, मास्क लगाना। मास्क किसी के चेहरे पे नजर नहीं आता। मास्क नजर ना आना सीधा सा कोरोना जैसी बीमारी को बुलाना है, जिसका आज सबसे बड़ा उदाहरण था। होली लोगों ने जमकर खेली, हालांकि सड़कों पर लोग नजर नहीं आए, लेकिन घरों में इकट्ठा होकर होली खेली, जिसका नतीजा आज सामने आया है। सबसे कम जांचें, सबसे ज्यादा मरीज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।